हेलो ब्यूटीफुल ब्राइड्स, होने वाली दुल्हनों, आप सभी के लिए मैं एक वीडियो लेकर के आई हूँ जो आपके लिए बहुत यूज़फुल है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। और आप सभी, मुझे पक्का पता है कि वो गलतियाँ कर रही होंगी, तो आप वो गलतियाँ अपने सुधार लें और अपनी शादी वाले दिन, अपने एंगेजमेंट वाले दिन सबसे लाजवाब दुल्हन बन के सबके सामने आए, ताकि सबकी आँखें चौंधी आ जाए आपको देख के। तो उसके लिए आपको करना क्या है, वीडियो को पूरा देखना है, कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए और जो मिस्टेक्स मैं बताऊं, जो मैं बातें आपको बताऊं, उसको नोट डाउन करिए और उसको अपने रूटीन में शामिल करिए। अगर आप नहीं कर रहे हो तो उसको इंक्लूड करो, अगर फॉलो कर रहे हो तो उसको इम्प्रूव करो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे, खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। उसी खुशहाल ज़िंदगी के चंद लम्हे चुरा के आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और मैं अपना वीडियो दिखा रही हूँ। सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे छोटे छोटे कमेंट्स कर दीजिएगा, ताकि मुझे समझ में आ सके कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। सो प्लीज़ कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग कॉपी पेन ले आइए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग लिखते भी जाइएगा। फर्स्ट हमारा टॉपिक है स्किन केयर मिस्टेक्स। स्किन केयर मिस्टेक्स, कॉमन स्किन केयर मिस्टेक्स जो हर ब्राइड करती है, वो ये करती है कि वो अपने स्किन केयर को स्किप कर देती है या फिर स्किन केयर फॉलो नहीं करती है, और उसका फ़र्क उसकी स्किन में साफ दिखाई पड़ता है। बिकॉज कि हर ब्राइड का, हर फैमिलीज का इतना बजट नहीं होता है कि वो बहुत हाई फाई मेकअप अफोर्ड कर सकें, मीन्स 50-60 thousand का, तो वो चीज़ अगर उनकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती है और वो जब मेकअप के लिए जाती है नॉर्मल पार्लर्स पे, तो उनकी स्किन अगर ग्लोइंग नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो उनकी स्किन में उतना ज़्यादा मतलब मेकअप का असर दिखता नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप अपनी स्किन केयर को सिंसियरली फॉलो अप करिए और अपनी स्किन केयर में कोई नई चीज़ इंक्लूड ना करिए। जैसे कि आपको जो नई चीज़ें जो लोग बता रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स बता रहे हैं, या फिर आपको नए आइडियाज़ दे रहे हैं, नए रेमेडीज सजेस्ट कर रहे हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा चेंजेस मत करिए, यूज़ मत करिए। बिकॉज अगर आप नई नई रेमेडीज़ यूज़ करोगे, नए केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे, फेशियल जो आपको लगते हैं आपके रिस्की हैं, सूटेबल नहीं हैं, तो आप उनको बिल्कुल यूज़ मत करिए अगर आपकी शादी को 1-2 महीना बचा हुआ है तो। क्योंकि अगर आपने उनको यूज़ किया और अगर आपकी स्किन एलर्जिक हो गई उस चीज़ से, या फिर आपको पिंपल्स निकलाए, या फिर आपकी स्किन में कोई डार्कनेस हो गई, पैचेस पड़ गए, कुछ भी हो गया, तो आप सोचिए आपके पास टाइम नहीं है कि आप उसको इम्प्रूव कर सकें। और शादी तो बार बार होती नहीं है, और शादी में हर कोई सबसे पहले दुल्हन को तलाशता है, दुल्हन को तलाशने के बाद दुल्हन के चेहरे को निहारता है। तो अगर चेहरा ही अच्छा नहीं होगा तो फिर आप समझ रहे हो ना कि तब मेकअप कर लो, लेकिन रियलिटी तो सामने आनी है। तो अपनी स्किन केयर को सिंसियरली फॉलो करना है और कोई भी नई चीज़ हमें यूज़ नहीं करनी है शादी के 1-2 महीने पहले। अगर आपको उसको लगता है कि आप उससे एलर्जिक हो सकते हो, तो प्लीज़ स्किप इट। एंड देन कोई रेमेडी आपको लगती है आपके लिए नहीं सही जा रही, आप उसको भी स्किप कर दीजिए, ठीक है? फर्स्ट मिस्टेक होगी। सेकेंड मिस्टेक हमारी है हेयर केयर। हेयर केयर में क्या करते हैं ना कि हम लोग, शादी आने वाली होती है, हमें शौक होता है हमारे बाल लंबे हो जाएं, घने हो जाएं, शाइनी हो जाएं, और उन सब के दरमियान हम क्या कर लेते हैं, हम बहुत सारे नए नए शैम्पूज़ यूज़ कर लेते हैं, नए नए हेयर ऑयल्स यूज़ कर लेते हैं, कि लोगों ने बोला उस शैम्पू से हेयर फॉल रुकता है, लोगों ने बोला उस हेयर ऑयल से बाल लंबे होते हैं, और वो सब हम करते करते एक्चुअली में लास्ट में क्या होता है, हमारे हेयर फॉल बहुत बढ़ जाता है, और जैसा लोगों ने कहा होता है वैसा तो नहीं होता है, उसे अपोजिट जरूर चीज़ें हो जाती हैं। तो आपको क्या करना क्या है कि अगर शादी के कुछ समय पहले हैं तो आपको पता होगा कि आपको कौन सा हेयर ऑयल सूट करता है, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, तो आप उसको कंटिन्यू करिए, कोई चेंजेस मत करिए। एंड देन आप वीक में एक बार हेयर मास्क जरूर यूज़ करिए। मैंने हेयर मास्क का वीडियो डाला हुआ है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। तो आप हेयर मास्क यूज़ करें वीक में 1 या 2 बार, उससे आपकी स्किन को नेचुरली आपके हेयर को नेचुरली शाइन मिलेगी, स्मूथनेस मिलेगी। और क्योंकि जब आपकी शादी होगी, आपका इंगेजमेंट होगा, सबसे ज़्यादा जो जुर्म होते हैं वो बालों पर ही होते हैं, हेयर हीटिंग टूल्स यूज़ किए जाते हैं उसके ऊपर, कर्लिंग टूल्स और एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत चीज़ें इससे यूज़ होती हैं, हेयर स्प्रे यूज़ होता है, तो उससे आपके हेयर डैमेज होते हैं। अगर आपके हेयर स्ट्रॉन्ग होंगे, आपकी हेयर फॉलिकल्स स्ट्रॉन्ग होंगे, आपके हेयर्स में पहले से जान होगी, तो वो उन सब चीज़ों को झेल जाएंगे, इट्स लाइक अ कोरोना। अगर बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है तो हम झेल जाएंगे, अगर कमज़ोर है तो नहीं झेल पाएंगे। तो अगर आपके हेयर्स हेल्दी हैं तो वो सब चीज़ें झेल जाएंगी, अगर नहीं हेल्दी हैं तो फिर आपको बाद में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अपने हेयर केयर रूटीन को बहुत
अच्छा रखिए और जो चीज़ आपको सूटेबल है, सूट करती हैं, आप उसी को कंटिन्यू करिए। किसी के सजेशंस मत फॉलो करिए, क्योंकि अगर आपके बाल झड़ना स्टार्ट हो गए और शादी का टाइम भी कम बचा है तो आपको दिक्कत हो सकती है। थर्ड है हमारा बॉडी केयर। एक्चुअली क्या होता है, हम फेस और हेयर सब पे चलो ध्यान दे भी लिया, पर हम अवॉइड कर जाते हैं अपनी बॉडी को, और बॉडी को अवॉइड करना हमें बहुत भारी पड़ जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे ये जो लड़कियां टॉप वगैरह पहनती हैं, कुर्तीज पहनती हैं, धूप में जाती हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो ये टॉप की जो यहाँ तक तो चलो ठीक है, कलर दूसरा होता है, यहाँ के बाद कलर दूसरा होता है। जब आप कोई स्लीवलेस चीज़ पहनते हो, शादी के बाद आप हनीमून पे भी जाओगे, सिंपल सी बात है, हनीमून पे जाओगे या फिर कोई डिज़ाइनर ब्लाउजेस ट्राई करोगे, कुछ भी पहनोगे, तो यहाँ पे कलर कुछ और है, यहाँ पे कलर कुछ और है, बहुत अजीब सा फील आएगा आपको देख कर ही। तो आपको करना ये है कि आपको रेगुलर बॉडी स्क्रब यूज़ करना है। उपटन जो होते हैं शादी के 10 दिन पहले यूज़ करने से बेहतर है कि आप पहले यूज़ करना स्टार्ट कर दो, फेस पे और बॉडी पे भी। तो बॉडी में क्या होगा कि स्किन टोन आपकी इवन हो जाएगी, और जो आपके कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो डार्कनेस हो जाती है, जैसे हमारे अंडर आर्म्स हो गए, हमारी एल्बोज हो गई, हमारे घुटने हो गए, वहाँ पर क्या होता है कि डार्कनेस आ जाती है बिकॉज ऑफ कि हम उसको अवॉइड करते हैं। नेक में भी डार्कनेस आ जाती है, अवॉइड करते हैं, या फिर ऐसी बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, कोई प्रॉब्लम है या फिर ऐसे रख के बैठने से हो जाता है, तो वहाँ पर भी आप रेमेडीज यूज़ करिए उसको, समय मतलब शादी के समय तक उसको नेचुरल कलर में ले आइए। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि आप शादी के बाद घूमने जाओगे, आप स्लीवलेस ड्रेसेस पहनोगे और कोई मिडीज ट्राई करोगे या फिर जो भी आप पहनोगे अपने हनीमून ट्रिप में, तो उसमें अगर आपके ये सब जो हिडन एरियाज हैं अगर वो ब्लैक हैं या फिर वो हैं तो अच्छा नहीं लगेगा। तो उसको आप अभी से अगर सही करना शुरू कर दें तो शादी वाले दिन आपकी बॉडी भी बहुत ग्लो करेगी और आपके एरियाज पे आपको इम्बैलेंस फील नहीं होगा अगर आप कोई शॉर्ट ड्रेसेस पहनते हो अपने हस्बैंड के सामने या फिर किसी ट्रिप पे। तो फोर्थ हमारा ये है कि जब भी हमारी शादी होने वाली होती है तो क्या होता है ना कि हमारे पेरेंट्स हमें बहुत ज़्यादा प्यार दिखाने लग जाते हैं, दादी मम्मी और बहने वगैरह जो भी आपकी फैमिली में है, तो क्या होता है ना कि हमें बहुत सारी चीज़ें खाने को मिलने लगती हैं कि बेटा तुम तो जाने वाली हो, उसको खा लो, अगर तुम ये सब चीज़ें खाओगी तो मतलब हेल्दी रहोगी। ठीक है, उनका भी कहना ठीक है, आप खूब खाइए, अपनी हेल्थ को अच्छा रखिए, पर मोटे हो जाते हैं हम बहुत सारा अगर ऑयली फूड खाते हैं, घी खाते हैं, तो आपको करना क्या है कि आपको रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपकी बॉडी फिट एंड फाइन रहेगी और शादी वाले दिन आप सबसे अट्रैक्टिव ब्राइड निकल के सामने आओगी, और अगर आप कोई ड्रेस पहनोगी तो आपका ये जो पेट वाला एरिया है वो बल्कि नहीं लगेगा और आप बहुत मतलब न्यूली मैरिड गर्ल लगोगी और स्मार्ट लगोगी। अगर आप बाहर जाती हो हनीमून पे, वहाँ पे कोई ड्रेसेस ट्राई करती हो तो आप स्मार्ट सी लगोगी। इसके लिए आप एक काम करिए, एक्सरसाइजेस करिए, डिटॉक्स वाटर पीजिए, जिससे आपका ये एक्स्ट्रा कैलोरीज बॉडी में ना हो आ पाए। ठीक है, अब हमारा फिफ्थ है आई केयर। एक्चुअली क्या होता है ना कि हमारी शादी होने वाली होती है तो हम बहुत सारा फ़ोन यूज़ करने लग जाते हैं, फ़ोन में बातें होती हैं, चैटिंग होती है या फिर और भी चीज़ें होती हैं, तो अपनी आई केयर करिए। अगर आँख में जो डार्क सर्कल्स होंगे तो मेकअप में वो चीज़ अच्छी नहीं आएंगी और बाद में भी अच्छी नहीं लगती हैं, डार्क सर्कल्स अच्छे वैसे भी नहीं लगते हैं, तो अपने डार्क सर्कल्स को हटाने के लिए एक रेमेडीज ट्राई करिए, अपनी आँखों को और अट्रैक्टिव दिखाइए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, बादाम का तेल सबके पास होता है, बादाम रोगन पतंजलि का आप बाय कर लो, जो भी बाय करना है वो बाय कर लो। अपनी आँखों के आसपास मसाज करनी है आपको इस फिंगर से, अब आप डेली कर सकती हो रात में सोने से पहले। उसके लिए आपको क्या करना है कि बादाम का तेल लेना है, अपने हाथ इसमें टिप्स पे लेना है और उससे मसाज करनी है एंटी क्लॉक वाइज एंड क्लॉक वाइज। मेरा एक वीडियो पड़ा भी हुआ है मसाज पे, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। देन आपको सिक्स पॉइंट है आपका हेल्थ केयर। हेल्थ केयर के अंदर हमारी और भी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि अगर आपको कोई इशूज़ हैं, बॉडी में इशूज़ हैं, आपको माइग्रेन इशू है या फिर कोई भी इशू है, तो अपनी हेल्थ केयर करिए। बिकॉज शादी है आपकी, शादी वाले दिन अगर आप बीमार पड़ जाते हो या शादी के बाद बीमार पड़ जाते हो तो फंक्शंस को एंजॉय नहीं कर पाते हो, तो अपनी हेल्थ के को लेकर कॉन्शियस रहिए। अपने मतलब जूस वगैरह अपने बॉडी को देते रहिए। अब आप पतला हो रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, अब इसके मतलब ये नहीं होता है कि आप बिल्कुल से सब कुछ खाना छोड़ दीजिए, वीक हो जाइए और शादी के दिन। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप फ्रूट्स लीजिए रेगुलर, और कुछ ड्रिंक्स होती हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी वो ड्रिंक, तो वो बना के पीजिए, उससे आपकी स्किन भी ग्लोइंग रहेगी, बॉडी भी हेल्दी रहेगी। ठीक है, देन हमारे पास है सेवन्थ।
सेवेंथ पॉइंट हमारा ये है कि हम जो हमारे नए क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, अगर आप लड़कियां शादी फिक्स हो गई पर लिथार्जिक हो जाती हैं कि मतलब ठीक है शादी फिक्स हो गई, शादी तक देख लिया जाएगा, तो आप जैसे कि आपको बहुत अच्छा दिखना है, शादी एक बार होती है, अपने ब्लाउज के डिज़ाइन करना स्टार्ट कर दीजिए, या फिर अपने लिए अच्छे से प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करिए कि मतलब क्या परचेज करना है क्या नहीं करना है, प्लानिंग डिसाइड कर लीजिए। जैसे शादी है आपकी तो एक थीम वगैरह मतलब कुछ क्रिएटिव आइडियाज माइंड में लेके, ताकि आपकी शादी बहुत मतलब आपको यादगार रहे कि मैंने अपनी शादी खुद प्लान की थी। कुछ नए नए आइडियाज जो दिमाग में है, अपने फंक्शंस की थीम डिसाइड कर लीजिए, या फिर अपने लिए डांस वगैरह सीख लीजिए ताकि परफॉर्म कर सकें आप, तो जो जो नई नई स्किल्स हैं वो आप सीख सकें ताकि आपको शादी के बाद काम में आए और आपको एकदम से बर्डन भी ना पड़े। पहले से वो स्किल्स अपने अंदर लाते रहिए, कुकिंग स्किल्स हो गई या फिर सिंगिंग स्किल्स हो गई, या फिर क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, डिज़ाइनिंग स्किल्स हो गई, ब्लाउज डिज़ाइन कर लो, अपने मेकअप जो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का वो सीख सकते हो आप, क्योंकि ये शादी के बाद हर बात के लिए तो पार्लर जाना नहीं हो पाएगा आपका, तो वेस्टर्न मेकअप कैसे करना है, इंडियन मेकअप कैसे करना है, या फिर किस साड़ी में कैसा मेकअप करना है, तो सब चीज़ें आप सीख सकते हो, डिज़ाइन अपने ब्लाउजेस के बना सकते हो। ठीक है, देन हमारा है साड़ी पहनना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो एक लड़की को आता है वो है साड़ी कैसे पहनते हैं, क्योंकि शादी के बाद क्या होता है ना, फिर आप डिपेंडेंट हो जाते हो कि कोई आके हमको साड़ी पहना के जाए। अब नई नई शादी हुई है, अब अच्छा नहीं लगता, किसको बोल दो भाई आओ साड़ी पहना दो। तो अगर आपकी पता है आपको कि हमारी शादी होने वाली है, और आपको भी पता है कि इंडियन कल्चर में साड़ी साड़ी का कितना बड़ा रोल है, शादी के बाद साड़ी पहननी पड़ेगी कुछ दिनों तक के लिए, तो आप बेहतर है ना कि आप एक बहुत अच्छी से साड़ी पहनना पहले से सीख लो। 2-4 महीने पहले से अगर आप साड़ी की प्रैक्टिस करोगे, साड़ी इज नॉट अ बिग इशू, और कोई रॉकेट साइंस तो रखती नहीं है उसमें, तो आप साड़ी पहनना सीख सकते हो। अपने घर में मम्मी है, भाभी हैं, जो भी हैं आपके आसपास, उसे सीख सकते हो। शादी के बाद आपको प्रॉब्लम्स ना, कैसे प्लेट्स बनाते हैं, कैसे पल्ला बनाते हैं बहुत अच्छी से साड़ी, कि साड़ी एक ऐसा मेरे हिसाब से ड्रेस है जिसको अगर आप बहुत अच्छे से कैरी करते हो तो सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है इंडियन वेयर में साड़ी ही लगता है। देन आपका है कि अपनी जो सारी चीज़ें मैं आपको बताई उसको आप कंटिन्यूसली फॉलो करिए सिक्वेंस में, कि मतलब ये नहीं है कि स्किन केयर कर लिया तो हेयर केयर को स्किप कर दिया, आई केयर नहीं किया, बॉडी केयर नहीं किया, हर चीज़ को मतलब कंटिन्यूसली फॉलो करिए, स्किन केयर को बिल्कुल स्किप मत करिए, रेगुलर स्किन केयर करना है आपको। मैं वीडियो बनाने वाली हूँ स्किन केयर बहुत जल्दी, कि स्किन केयर कैसे करें और कब कौन सा करें, नाइट में तो ज़रूर ज़रूर स्किन केयर करिए। तो कुछ पॉइंट्स थे मैंने बताया, कुछ अपने हिसाब से आप ऐड ऑन कर सकते हैं इसमें, अगर आपको लगता है कि ज़रूरत है आपको आप उसमें ऐड ऑन कर दीजिए। पर ये कॉमन मिस्टेक्स हर ब्राइड करती है शादी से पहले, अपने हर चीज़ को इग्नोर करती है, अपनी चीज़ों पे ध्यान नहीं देती, एकदम से फिर कोशिश करती है कि फेशियल से वो निखार हम हासिल कर लें, या फिर बाल नकली बाल लगा के सब चीज़ें, तो पहले से अगर अपने आपको मेंटेन रखोगे तो शादी तक तो फिर आप बिल्कुल से स्टेज में सबसे अट्रैक्टिव लगोगे, क्योंकि सबको ये सबसे ज़्यादा एक दुल्हन को ही ढूंढता है, लड़की कहाँ है, लड़की कहाँ है, पार्लर से आई कि नहीं आई, सब। तो शादी के बाद भी जब अपने ससुराल में जाओ तो अगर आपकी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, डिज़ाइन ब्लाउज के बहुत अच्छे होंगे, या फिर आपकी जो चीज़ें होंगी बहुत इजली मैनेजेबल होंगी, तो फिर लगेगा कि लोगों को कह रहा है कि हाँ यार ब्राइड तो हमारी बहुत अच्छी है, बहू तो हमारी बहुत अच्छी है। तो ये सब चीज़ों पर आप वर्क करिए, और आपके लिए आई होप कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मुझे लगा तो मैंने बताया आपको, और मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के बहुत जल्दी आऊँगी जिसमें मैं ब्राइड का स्किन केयर शेयर करने वाली हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड लाइक से सब्सक्राइब, और दुआ में याद रखिए, खूब सारा प्यार दिखाइए, और तब तक के लिए गुड बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के अब क्या करना है आपको, मुझे याद रखना है। बाय बाय।